तो अभी भी कुछ चीज़ें मिस आउट हैं इस लेआउट में। मे बी इन लोग को यहाँ पे एलिट करके दिखाते हैं हम लोग। एंड नाउ आई एम गोना टू टॉक अबाउट द प्राइस। तो जो कि प्राइस है इस मोटरसाइकिल का वो आपको बन रहा है कि ऑल राइट। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। एंड हियर इज द बजाज पल्सर NS200। 160 नहीं है, NS200 है, जो कि 2023 में बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है NS200 में और NS160 में, जो कि मेरे सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, आज इसके ऊपर ही हम लोग रिव्यू करेंगे। तो क्या क्या इसमें नया देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट से ही चालू करते हैं। तो फ्रंट में ही आपको अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग और बात करें तो एक और बड़ा मेजर चेंज किया गया है, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी एक बड़ा चेंज कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और कलर और ग्राफिक में भी चेंज कर दिए गए हैं। इस बार का जो आपको 3D लोगो देखने को मिलता है, थोड़ा सा ग्रे में देखने को मिलता है, डार्क ग्रे हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रे देखने को मिलता है। वो काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में अगर हम लोग देखें तो। ओवरऑल अगर हम लोग और बात करें तो क्या क्या और चेंजेस लाने चाहिए थे, तो एक और चेंज और एड ऑन किया गया जो कि मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, पहले आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता था। इसी के साथ साथ अगर हम लोग और बात करें तो आपको स्पेसिफिकेशन के ऊपर बताने से पहले कुछ और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो अभी भी कुछ चीज़ें मिस आउट हैं इस लेआउट में। मे बी इन लोग को यहाँ पे LED इंडिकेटर दे देने चाहिए थे। और फ्रंट में जो एक चीज़ और मिसिंग है वो है यहाँ पे LED हेडलाइट। तो आपको अभी भी हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, LED आपको अभी भी नहीं देखने को मिलती है। तो एक और ये काफ़ी बड़ा चेंज नहीं किया गया इसमें, तो लाइट में भी चेंज करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी हम लोग ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको और क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, तो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे सामने जो कलर खड़ा है वो एबनी ब्लैक कलर खड़ा है। एक और आपको कलर देखने को मिलता है पर मेटैलिक वाइट। इसी के साथ साथ स्पेसिफिकेशन के ऊपर फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको 199.5 cc का इंजन देखने को मिलता है, 24 HP 18 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पे हम लोग बात करें 6 स्पीड की मैनुअल गियरबॉक्स आपको देखने को मिलती है, लिक्विड कूलिंग इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है और 12 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ और हम लोग बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको E20 कंपेटेबल ये मोटरसाइकिल देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको OBD2 वाला वेरियंट भी देखने को मिलता है, तो ये भी इसमें ला दिया गया है। तो जो कि अप्रैल 1st से जितनी भी मोटरसाइकिल हैं उसमें E20 और OBD2 होना मस्ट है, तो वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो E20 कंपेटेबल ये मोटरसाइकिल है, BS6 फेस 2 वाला वेरिएंट है ये मोटरसाइकिल। और आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फटाफट से, तो आगे आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाते हैं, और फ्रंट में आपको जो डिस्क है वो 300 mm का, और रियर में आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। 17 इंचज़ के अलावा आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको टायर देखने को मिलता है वो 130 सेक्शन का देखने को मिलता है, और 100 सेक्शन का आपको फ्रंट में देखने को मिलता है। तो 140 सेक्शन तो देना ही चाहिए था, थोड़ा सा और टायर इंक्रीज़ करना चाहिए था। बाकी हम लोग और बात करें तो 159.5 kg का आपको इसका वेट देखने को मिलता है, और 805 mm की सीट हाइट, और 168 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को आपको मिल जाता है। तो इतना ही कुछ पूरा था। बाकी यहाँ पे आपको ग्रिमका के ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि पल्सर F250 में इस्तेमाल किए गए। बाकी हम लोग बात करें टायर के ऊपर, तो टायर आपको रेडियर और ट्यूबलेस दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस आपका कुछ इंजन काउल देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे तो काउल नहीं देखने को मिलता है, बट इधर साइड में आपको इंजन काउल देखने को ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इस आपका कुछ डिस्क देखने को मिलता है। डुअल चैनल ABS है ये मोटरसाइकिल, तो काफ़ी अच्छा चेंज है। यहीं पे हम लोग बात करें मीटर के ऊपर, तो मीटर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो मैं दिखा देता हूँ। तो इस आपका कुछ मीटर है, सबसे बड़ा चेंज जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ फ्यूल गेज देखने को मिलता है, यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, इधर साइड ऑडोमीटर बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप 1 मीटर, और यहीं पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू MT, डेट्स इट। और अगर हम लोग यहाँ पे मोड के बगल में सिलेक्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और ओडोमीटर, डेट्स इट। तो ओडोमीटर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी इतना ही आपको देखने को मिलेगी। तो 2 ट्रिप मीटर और 2 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेशन, यहाँ बैटरी इंडिकेशन, यहाँ लो फ्यूल इंडिकेशन, हाई टेम्परेचर इंडिकेशन, इंजन चेकलाइट वार्निंग, यहाँ बजाज का इंडिकेशन, और यहाँ पे हाई बीम इंडिकेशन, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, और यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम, यहाँ पास लाइट, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हॉर्न देखने को मिलता है, और इधर ही साइड आपको किल स्विच देखने को मिलता है, इधर इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं हम लोग।
इस बात का कुछ पूरा साउंड है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और यहीं पे आपको जैसा कि मैंने बताया हेलोजन लाइट फ्रंट में देखने को मिलती है। और ये रहा इसका लो बीम और ये रहा हाई बीम और ये रही पास लाइट, दिखा देते हैं और इंडिकेटर भी एक बार दिखा देते हैं। तो ये सब के कुछ इंडिकेटर हैं। तो लाइटिंग तो अभी आपको हेलोजन देखने को मिलती है इंस्टेंट ऑफ वन लाइट, तो जो कि पीछे आपकी लाइट है वो आपको फुल्ली एलईडी देखने को मिलती है। बाकी हम लोग बात करें तो ओवरऑल डिज़ाइन और जो कलर्स हैं वो काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ब्लैक में जा रहा है और इधर साइड आपको जो 200 का स्टिकर देखने को मिल जा रहा है, जो 200 की ब्रांडिंग, और ये जो थोड़ा सा रेड का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा रेड का यूज़ किया गया है और कहीं कहीं रेड का यूज़ किया गया है, काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में। तो इतना ही कुछ पूरा इस मोटरसाइकिल के ऊपर था और इतना ही कुछ पूरा मेरा रिव्यू था इस मोटरसाइकिल के ऊपर। एंड नाउ आई एम गोना टू टॉक अबाउट द प्राइस। तो जो कि प्राइस है इस मोटरसाइकिल का वो आपको 1,80,000 देखने को मिल जाता है ऑन रोड। पहले आपको 1,70,000 कुछ देखने को मिलता था, अब आपको 1,80,000 देखने को मिलता है, जो कि कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं उसके ऊपर ये सारा कॉस्ट लिया गया है। तो इतना ही कुछ पूरा मेरा रिव्यू था, इतना ही कुछ पूरा मेरे को बताना था इस मोटरसाइकिल के ऊपर। और आपको मोटरसाइकिल कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। एंड एट लास्ट ये भी बता दूँ कि जो शोरूम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सोसाइटी मोटर्स कानपुर है। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, राइट। और यहीं से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।